हेलो फ्रेंड्स, चारू माता रसोई में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम एक और विंटर इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेके आए हैं। आज हम अपने वीडियो में टोमेटो सूप बनाना देखेंगे। सो आइए देख लेते हैं हमें उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। हमने ये 5 से 6 टोमेटो लिए हुए हैं। इसके अलावा हमने ये एक अनियन लिया हुआ है जो कि मीडियम साइज है। हाफ चुकंदर का टुकड़ा लिया हुआ है हमने। आधा ही हमने कैरेट लिया हुआ है और 2 हमने आंवला लिए हैं। इसके अलावा हम कुछ लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च का यूज करेंगे टोमेटो सूप को कुक करने के लिए। सो आइए शुरू करते हैं अपना टोमेटो सूप कुक करना। सबसे पहले हमने जो ये अपने सारे अनियन, गार्लिक और अदरक लिया हुआ है, इन सबको हम चॉप कर लेते हैं। उसके बाद ही हम आगे का स्टार्ट करेंगे कुकिंग करना। तो इस तरीके से हमने अपने सारे जो भी वेजिटेबल्स लिए हुए हैं उन सब इंग्रेडिएंट्स को कट करके रख लिया है। आप सोच रहे होंगे बना तो हम टोमेटो सूप रहे हैं लेकिन हमने उसके लिए इतनी सारी चीजें क्यों ली हुई हैं? सो बेसिकली अनियन, गार्लिक और हमारा जो जिंजर है उसका हमारे को फ्लेवर आएगा। हमने जो ये गाजर ली हुई है ये हमारी सूप को नेचुरल स्वीटनेस देने का काम करेगा। और ये हमने जो आंवला लिया हुआ है इससे हमारे सूप में नेचुरली एक हल्की सी खटास सी आएगी। और बीट रूट हमने लिया हुआ है जिससे हमारे टोमेटो सूप का जो एक कलर है वो नेचुरली रेड रहेगा। आपको इसमें किसी भी तरीके का फूड कलर मिलाने की जरूरत नहीं होगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टोमेटो सूप को बनाना। सो हमने एक वेसल ले लिया है जिसमें हम अपना सूप बना के तैयार करेंगे। 1 टेबल स्पून के आसपास देसी घी ऐड कर रहे हैं। आप चाहें इसमें बटर ऐड करना तो आप बटर ऐड कर सकते हैं या कोई और कुकिंग ऑयल जो आप यूज करते हो वो ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून जितना जीरा ऐड करेंगे। जीरा हमारा कुक हो जाए उसके बाद हमने जो अपना ये ग्रीन चिली, गार्लिक और जिंजर दिया हुआ है चॉप करके उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी कुछ सेकंड्स के लिए हम कुक कर लेते हैं। जिंजर गार्लिक हमारा लाइटली कुक हो चुका है। हमने जो अपने अनियंस लिए हुए हैं उसको इसमें ऐड करेंगे। कैरेट को भी ऐड कर देते हैं। आंवला और बीटरूट लिया हुआ है उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इन सबको हम हल्का सा सौते कर लेंगे, मतलब हमें इसे बहुत हल्का सा लाइटली कुक करना है। इस तरीके से आप सूप बना के तैयार करेंगे तो आप देखेंगे आपका बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सूप बन के तैयार होता है। हमारा ये जब तक 1 से 2 मिनट के लिए कुक होता है, आइए तब तक हम अपने टोमेटोस चॉप कर लेते हैं। हमने अपने टोमेटोस भी कट कर लिए हैं, उनको आइए इसमें ऐड कर देते हैं। हमने इसमें 1 टीस्पून जितना सॉल्ट भी ऐड कर दिया है और इसमें हम लगभग 250 ml जितना पानी ऐड करेंगे और अपने इन सारी वेजिटेबल्स एंड टोमेटोस को साथ में ही कुक होने देते हैं। इसको हम कवर करके रख देंगे। इसे हम लगभग 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके कुक होने देते हैं, उसके बाद ही हम इसको चेक करेंगे। आइए हमारे टोमेटोस को कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक करते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आया है। हमारे टोमेटोस भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, एकदम नेचुरल कलर जैसे होना चाहिए टोमेटो सूप का। हमारा बीट रूट डालने की वजह से एकदम वैसा ही कलर आया है। सो आइए अपनी गैस को ऑफ करते हैं और इसको हल्का ठंडा होने देते हैं, तभी हम इसको प्यूरे बना के इसका तैयार कर पाएंगे। इस तरीके से हमने एक स्ट्रेनर लिया है, इसके नीचे एक बाउल में हम अपना सारा सूप को स्ट्रेन कर लेंगे। इससे कि जो भी हमारा सूप का पानी होगा वो अलग रह जाएगा और जो हमारे वेजिटेबल्स हैं वो सब एक तरफ आ जाएंगे। इस तरीके से हमने अपना प्यूरे बना के टोमेटोज का तैयार कर लिया है। आइए अब हम इसको स्ट्रेन करते हुए अपने इस वेसल में ऐड करेंगे। बर्तन के ऊपर स्ट्रेनर को लगा लिया है और इसमें हम अपना प्यूरे किया हुआ ऐड कर देंगे टोमेटोज को। पहले स्ट्रेन करा था वो जो वाटर है वो भी हम इसको इसमें ही ऐड करेंगे स्ट्रेन करते हुए। अभी इसको प्यूरे करने में भी मैंने इसमें लगभग 80 ml के आसपास पानी डाला है, यानी कि टोटल अगर आप गिलास से नापेंगे तो हमने इसमें 1.5 से 2.5 गिलास पानी इसमें ऐड करा है टोटल अभी तक, इसको पहले बॉयल करने में और इसका प्यूरे करने में। आप किस तरीके से सूप बना के तैयार करते हैं, आप उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख सकते हैं हमारे टोमेटो सूप की जो कंसिस्टेंसी है ऑलरेडी काफी अच्छी है, एकदम हमारा वॉटरी नहीं हो रहा है। इसको हम हल्का सा बॉयल आने देते हैं। 1 टीस्पून जितनी शुगर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून जितना हम इसमें ब्लैक पेपर को ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसमें एक घोल बना के तैयार किया है जो कि ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी है एक तरीके से।
इसमें हमने कुछ नहीं किया है, हाफ टी स्पून जितना एक छोटी चम्मच हमने सिर्फ इसमें कॉर्नफ्लावर लिया है और उसको पानी में सिर्फ घोल लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप अरारोट भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप सब्जियों को कुक करते हुए थोड़ा सा आलू भी एक उसमें बॉयल करके डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे जो उसमें एक नेचुरल शाइन होती है वो आ जाएगी और हमारी प्यूरी भी, जो हमारा सूप है वो भी एकदम थिक बनके तैयार होगा। या अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर भी नहीं है, अरारोट भी नहीं है, तो आप इसमें चावल का आटा भी एक चम्मच छोटा लेके उसको पानी में घोल के ऐड कर सकते हैं। हम हल्का हल्का डालते हुए स्टर करते रहेंगे, इससे क्या होगा हमारे जो सूप है उसकी जो कंसिस्टेंसी है, हालांकि उतनी अभी पतली नहीं बनी है, बट लेकिन ये ऐड करने से एकदम जैसे हमारी मार्केट में रेस्टोरेंट स्टाइल में होती है उस तरीके से देखेंगे आप बनके तैयार हो जाएगी और इसमें एक ऊपर से शाइनिंग भी आ जाती है। बहुत ज्यादा कॉर्नफ्लावर या अरारोट या चावल का आटा आप ऐड मत कीजिएगा, उससे हमारा टेस्ट में डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए सिर्फ एक छोटी चम्मच ही हमें इसमें ऐड करना है। पहले की और अब की कंसिस्टेंसी आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद नजर आएगी कि अब ये हल्का सा थिक हो गया है हमारा। ये हमारा टोमेटो सूप ऑलमोस्ट बनके तैयार है। सो आइए अपनी फ्लेम को बंद करते हैं और इसको एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। इस तरीके से इसको हम फ्रेश क्रीम के साथ डेकोरेट कर देंगे। ये हमारा टोमेटो सूप बनके तैयार है। सो आप लोग इस तरीके से टोमेटो सूप बना के तैयार कीजिएगा, बहुत ही आपका टेस्टी सूप बनके तैयार होगा और बहुत ही हेल्दी भी होगा, क्योंकि हमने इसमें बीटरूट है, आंवला है, इन सब का भी यूज किया हुआ है जो बहुत ही हेल्दी होते हैं। आप लोगों को इस तरीके से सूप बनाना पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।